पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के लाइफ से जुड़े किस्से अक्सर सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन उनकी मांग में लगा सिंदूर हर किसी के मन में सवाल करने लग जाता है। लोग उनके इस सिंदूर का मतलब अमिताभ बच्चन के अफेयर के साथ जोड़ते हैं। जिसकी बीवी लंबी और कोठे से लगा दो दरअसल रेखा की मांग में सिंदूर का मामला उस समय ज्यादा उछल आया था जब वो साल 1980 में अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में अचानक सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर नजर आई थी। इस वाक्य का जिक्र भी यासिर उस्मान अपनी किताब में करते हुए लिखा है। रेखा की मांग का सिंदूर देखकर ऋषि और नीतू के साथ शादी में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। इतना ही नहीं, वहां पर लगे सभी कैमरे ऋषि कपूर और नीतू की जगह रेखा पर टिक गए थे। यासिर उस्मान ने रेखा के जीवन पर लिखी अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनके जीवन से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने इस सिंदूर के राज का भी खुलासा करते हुए लिखा है। एक बार जब रेखा का देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी से सामना हुआ था, तब भी रेखा की मांग में लगे सिंदूर को लेकर सवाल पूछा गया था। कार्यक्रम में उन्होंने रेखा से पूछा था कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब अभिनेत्री रेखा ने तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी से ये पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जिस शहर से मैं आती हूँ वहां सिंदूर लगाना फैशन है। उन्होंने बताया था कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती है। रेखा ने यह कहा था कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मेकअप के साथ सूट करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ नायाब कहानियां हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। अब अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम आपके सामने ऐसे ही किसी नायाब किस्से को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। ये चाय आपने बनाई? हाँ। तुझको दिल दे दिया तेरी ये जवानी अलबेली के पहेली अकेली मुझे साथी बना ले। हाँ। दिल चीज क्या है आप मेरी सलामी इश्क मेरी दरा पूरी बस एक बार मेरा कहा।